नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। अवैध रेत उत्खनन और रेत परिवहन पर राजस्व विभाग की छापेमार कार्रवाई। दतिया जिले के सेवड़ा अनुभाग के अंतर्गत आने वाले गोराघाट थाना क्षेत्र के ग्राम भरसुला संत नदी घाट पर अवैध रेत उत्खनन पर छापेमार कार्रवाई की गई है। इस दौरान अवैध रेत परिवहन कर रहे 10 रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर आगामी कार्रवाई के लिए गोराघाट पुलिस की सुपुर्दगी में दिए गए हैं। दरअसल दतिया जिले के गोराघाट थाना क्षेत्र में इंद्रगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पाली भरसुला की सिंध नदी रेत खदान का 4 किलोमीटर का लंबा रास्ता वन विभाग की सीमा से होकर गुजरता है। इसके बावजूद भी वन विभाग का अमला रेत माफियाओं पर दरिया दिली दिखाता नजर आता है, कार्रवाई करने से बचता नजर आता है। वहीं गोराघाट थाना की सीमा होने के कारण गोराघाट पुलिस भी रेत माफियाओं को रेत चोरी करने के लिए संरक्षण प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण यहां रेत माफिया बड़े स्तर पर फल फूल रहे हैं। इस कारण से इन खदानों पर रेत माफिया बेखौफ होकर भारी मात्रा में रेत का उत्खनन जोर शोर से कर रहे हैं, जिसकी सूचना जिला कलेक्टर रोहित सिंह को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद SDM सेवड़ा वीरेन्द्र सिंह बघेल को अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। सर नमस्कार। सर अभी जो सुबह सुबह आपने अवैध के 10 ट्रैक्टर पकड़े हैं, इतनी बड़ी कार्रवाई की है, ये ट्रैक्टर कहाँ से आ रहे थे सर? ये मरसुला करके खदान वो है, सिंध नदी किनारा है जी, लोग वहाँ से ट्रैक्टर करके लेके आ रहे थे। वन विभाग का जो रास्ता है उससे क्रॉस करते हुए जो उसका शहर है जी, लगभग 3-4 किलोमीटर का शहर है जी, शहर को शहर में बेसिकली हमने पकड़े हैं जो राजस्व का उधर आता है। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब वहाँ खदान तो घोषित है नहीं है सर? नहीं, खदान वदान कुछ नहीं, वो इलीगल पूरा मतलब। अच्छा अच्छा, तो वन विभाग के यहाँ से लेके आ रहे थे उधर, वो जगह जो पूरा एरिया है जंगली जंगल है, जंगल से करके ला रहे थे। सर ये खनन कौन करवा रहा था? नहीं, ये अपन नहीं कह सकते, इसका कोई आइडिया नहीं है। अपने को वहाँ सिर्फ ट्रैक्टर, खाली ट्रैक्टर और वहाँ पे पूरा लाइन जो लगी हुई मिली जी। एक ड्राइवर वगैरह भी नहीं पकड़ा? नहीं, ड्राइवर नहीं पकड़ा। अच्छा। सिर्फ खाली सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली रेत से भरा हुआ, बस ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं, कोई सवारी नहीं, वो कुछ नहीं। वो शहर में एक्चुअली वहाँ से 2-3 किलोमीटर का लंबा शहर है काफ़ी जी, अभी भी एक्चुअली वहाँ कार्रवाई चल रही है। ट्रैक्टर्स क्या निकल नहीं पा रहे हैं अभी, एक JCB वगैरह ही भेजी ट्रैक्टर्स को निकलने के लिए। सर कितने बजे की घटना है जी? ये हम लोग लगभग 3:30-4 से लेके तब से चल ही रहा है लगभग। अच्छा।